प्यारे बच्चों, कल मैंने आप लोग को बताया अनुनासिक और अनुस्वार। उम्मीद है सबको अनुनासिक और अनुस्वार आ गया होगा, क्योंकि आप लोग के पेपर आ रहे हैं। इसलिए आज तो मौखिक पेपर था ना, मौखिक पेपर के बाद आप लोग का रिवीजन कराते चल रहे हैं। आज हम आप लोग को बताएंगे प्रत्यय और उपसर्ग। क्या बताएंगे? प्रत्यय और उपसर्ग। बाकी बताया भी गया है आप लोग को, एक बार फिर से देखिए। प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं, और उसको समझिए। बस समझने की बात है, उसको रटने वाली बात नहीं है। उसको समझ लीजिए तो वो हमेशा काम करेगा, क्योंकि हमेशा वो, चाहे हाई स्कूल में रहिए चाहे इंटर में रहिए, जो बोर्ड परीक्षाएं हैं सब में उपसर्ग, प्रत्यय, अनुनासिक, अनुस्वार, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोग जब समझे रहेंगे तब नहीं भूलेगा, और कहीं याद करने की कोशिश करेंगे तब भूल जाएगा। इसलिए आप लोग उसको समझिए, ठीक? तो चलिए बताते हैं आप लोग को। देखिए, मैंने एक गोला यहाँ बना दिया है, इसको लिख देते हैं प्रत्यय। क्या हो गया? प्रत्यय आज आप लोग को इसको बताने के लिए। अब इतना सबसे पहले समझिए, प्रत्यय जो है वो बाद में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? बाद में। बाद में। और उपसर्ग जो है वो पहले। ठीक है, उपसर्ग वही शब्द है उसके बाद में जो जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और उसके पहले जो अक्षर या शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। सबसे पहली जानकारी प्रत्यय और उपसर्ग की। अब बताते हैं आप लोग को, जैसे प्रत्यय है, मैंने बताया कि बाद में जुड़े। और उपसर्ग है, उपसर्ग में क्या बताया? पहले जुड़े। जैसे मैंने बताया कि प्रत्यय बाद में जुड़ता है, तो इसका एग्जांपल समझो। जैसे मैंने लिख दिया सफल, ये क्या है आपका? ये मूल शब्द है, मतलब आपका शब्द है मूल शब्द, मतलब जो शब्द आपका है वो है सफल। अब हमको जब इसमें प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगी ता, प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगी सफलता। क्या हो गया? सफलता। शब्द आपका सफल था लेकिन मैंने ता जोड़ा तो हो गई सफलता। अब इसमें सफल जो हो गया मूल शब्द हो गया, और ता जो हो गया वो हो गया प्रत्यय। हो गया ना? यस मैम। ता जोड़ के, एक शब्द जोड़ के उसका अर्थ बदल दिया गया। अब ऐसे देखिए, देख लीजिए, देख ये हो गया ना सफलता। अब दूसरा देखिए, सॉरी इसको भी लिख देते हैं किनारे, सफलता। ठीक, ये हो गया मूल शब्द, ये जो था, और ये हो गया प्रत्यय। अब दूसरा बता देते, जैसे देखिए कोई शब्द हो गया वार्षिक। क्या हो गया? वार्षिक। वार्षिक। अब वार्षिक खुद ही दो शब्दों से मिलके बना है ना? यस। अब देखो, एक हो गया वर्ष प्लस इक, वार्षिक। वर्ष प्लस इक बराबर वार्षिक, ये दो शब्द होते हैं। अब देखिए, ये वर्ष जो है आपका, ये हो गया मूल शब्द। वर्ष मूल शब्द हो गया, क्योंकि वर्ष में पीछे इक जोड़ दिए हैं तो हो गया है वार्षिक। तो ये हो गया आपका प्रत्यय। क्या हो गया? प्रत्यय। ये हो गया प्रत्यय। अब इसी तरह देखिए, जैसे है कोई शब्द है सुंदर। क्या है? सुंदर। सुंदर ये शब्द है बेटा, बदमाशी नहीं, ये शब्द है सुंदर।
अब इसमें हमको प्रत्यय जोड़ना है, मान लीजिए हमने लिख दिया सुंदरता, अलग हो गया ना, शब्द अर्थ अलग हो गया, तो ये सुंदर आपका हो गया मूल शब्द, क्या हो गया मूल शब्द, मूल शब्द, और ये ता क्या हो गया प्रत्यय, प्रत्यय में बेटा। अब ऐसे ही कोई शब्द आप ऐसे ही लेते चलिए, मान लीजिए हो गया कोमल, क्या हो गया कोमल, कोमल कोमल शब्द है, इसमें ता जोड़ दिए, ये पूरा हो गया कोमलता, कोमलता में कोमल क्या है मूल शब्द, मूल शब्द है, मतलब मूल शब्द मतलब वही है जो आपका शब्द है, और ता है प्रत्यय। मूल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये आपका था, जैसे सुने होंगे आप लोग कि कोई किसी को पैसा देता है तो अपना मूल लेने के बाद उसका ब्याज, तो मूल जो है मतलब जो आपका है वो मूल है, और जो उसके साथ जोड़ा गया वो है आपका ब्याज, वो है आपका प्रत्यय। प्रत्यय नाम से स्पष्ट है कि बात है, ठीक है। अब ऐसे हो गया कोमलता, ऐसे बहुत सारे शब्द आप लोग बना सकते हो, जैसे हो गया मिठाई, मीठा नहीं मिठाई, ठीक है। ऐसे प्रत्यय के बहुत सारे एग्जांपल आप लोग हल कर सकते हैं, कर सकते हैं, आगे बढ़े। अब ये हो गया प्रत्यय आपका, अब हम बताएंगे क्या उपसर्ग, उपसर्ग पहले जुड़ता है, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है पहले, पहला उदाहरण तो हम यहीं से ले लेते, जैसे सफल लिखे थे, मान लो हम लिख दिए सफल, सफल लिख दिए, सफल मतलब कहते हैं ये व्यक्ति सफल है या सफल जो भी है। अब सफल का असफल के आगे अगर हम लिख देते हैं, सफल मतलब वही पास को ले लो, सफल के आगे लिख दिए असफल, आ लिख दिए, खाली एक अक्षर लिखे हैं आ, आ तो लिखे हैं, एक अक्षर लिखने से पूरा अर्थ पलट गया, सफल मतलब व्यक्ति सफल है आगे है, असफल मतलब व्यक्ति फेल है, ठीक है। जैसे होता आप परीक्षा में सफल हैं, मतलब पास हो गए, और आप इस परीक्षा में असफल रहे, मतलब आप फेल हो गए, तो खाली आ लिख देने से इसका अर्थ बदल गया। तो ये आ जो हो गया आपका, ये हो गया आपका उपसर्ग, क्या हो गया उपसर्ग, उपसर्ग असफल। देखिए हमने कहा था पहले, तो हमने पहले ही जोड़ा है ना, अब ऐसे जैसे देखो दूसरा हो गया अत्यधिक, देखो अलग अलग तरह के बता रहे हैं ताकि कई तरह के आए तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया अत्यधिक, अब अत्यधिक भी दो शब्द से मिलकर बनता है, अधिक, ये क्या हो गया अत्यधिक, अधिक है ना जी बराबर अत्यधिक, अब इसमें अधिक जो है ये उपसर्ग है, लग गया, होता है ना कहीं
दाग लग गया था। अब क्या इसके आगे बे लगा दिए, हो गया बेदाग। बेदाग मतलब इस पे कोई दाग नहीं, दाग मतलब कि दाग लगा हुआ है और बेदाग मतलब कोई दाग नहीं है। सीधे अर्थ बदल गया, तो इसमें बे हो गया आपका उपसर्ग, क्या हो गया उपसर्ग, और दाग हो गया आपका मूल सर्ग। समझ में आ रहा है? Yes, जो पहले लग गया, ठीक है। अब और कोई शब्द बताओगे, कुछ आ रहा है दिमाग में? समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज है। और
अन्य जानकारियों के लिए ऐसी ही और अच्छी अच्छी गतिविधि और अच्छे अच्छे चैप्टर और अच्छे अच्छे पॉइंट को जानने के लिए मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बने रहिए और इसको हमारे चैनल पे देखिए, प्रियंका शुक्ला यूपी प्राइमरी स्कूल मल्लौ, और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।